हेलो स्टूडेंट्स, नाउ हम क्वेश्चन थ्री देखते हैं. इफ थ्री कॉट ए इक्वल्स टू फोर, चेक वेदर वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. आपको थ्री कॉट ए इक्वल टू फोर गिवन है और आपको बोल रहा है कि आप ये चेक करिए कि जो इक्वेशन यहाँ दी हुई है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आपको गिवन क्या है. थ्री कॉट ए इक्वल टू फोर गिवन है. प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है. तो सिर्फ इतनी सिंगल वैल्यू से आप ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं. कॉट का यूज करके हम टेन ए साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे. हम एलएचएस में पुट करेंगे, आरएचएस में पुट करेंगे. हम देख लेंगे कि एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू सेम आ रही है तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. करने से पहले सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे. कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल बहुत ध्यान से बनाना है. मुझे दिख रहा है कि कॉट ए है, मतलब मैं एक्यूट एंगल ऑब्वियस सी बात है ए लूंगी. अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल कुछ भी लूं, सपोज मैंने बी ले लिया और ये सी ले लिया. अब अगर ये ए है, कॉट यहाँ गिवन है, तो इसको देख के मैं ए के सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस हुआ और ये बेस हुआ. इस चीज का बहुत ध्यान रखना है. अब हम स्टार्ट करते हैं गिवन सॉल्यूशन. मैंने यहां लिखा सॉल्यूशन. गिवन क्या है हमारे पास? थ्री कॉट ए इक्वल्स टू फोर. डरना नहीं है बिल्कुल, ये कुछ नहीं है. कॉट ए ऐसे ही रहेगा, फोर ऐसे ही रहेगा, थ्री यहाँ नीचे आ जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ये हमें रेशियो दिया हुआ है, ये सबसे उलझाने के लिए दिया रहता है. हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर करके आइडेंटिटी को सिर्फ सिंगल कर लीजिए, सॉरी रेशियोज को सिंगल कर लीजिए और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो उसका रेशियो हो गया. कॉट ए इक्वल्स टू फोर अपॉन थ्री. अब ये फोर अपॉन थ्री तो हो गया. कॉट को मैं ध्यान दूंगी कि वो इस ट्राइंगल में क्या रेशियो शो कर रहा है. कॉट क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? क्या रेशियो अपॉन क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस हमारे पास क्या है? ए बी है. मैं यहां लिख दे रही हूं बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ये मैंने एज अ फॉर्मूला एग्जाम में आपको लिखना भी चाहिए कि ये रेशियो क्या होता है, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया है. यहां बेस क्या है? कॉट की जगह बेस ए बी अपॉन परपेंडिकुलर बी सी आ गया. बेस अपॉन परपेंडिकुलर फोर अपॉन थ्री. अब मैं सीधा ऐसे के लेके नहीं कर सकती हूं, चूंकि मेरे पास अब रेशियो है ए बी अपॉन बी सी फोर अपॉन थ्री. तो मैं यहां लिखूंगी ए बी इक्वल्स टू फोर के एंड बी सी इक्वल्स टू थ्री के. मैंने आपसे पहले भी इस क्वेश्चन के पहले भी मैंने ये डिस्कस कर रखा था. हम डायरेक्ट ए बी को फोर बी सी को थ्री नहीं ले सकते. हो सकता है ये किसी चीज के कैंसिलेशन के बाद रेशियो हमें मिला हो, इसलिए हम इसे के एक पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके लेते हैं. वेयर, जहां हमको मेंशन करना पड़ेगा, वेयर के इज अ पॉजिटिव नंबर, जहां के एक पॉजिटिव नंबर है. ए बी हमने फोर के ले लिया, बी सी हमने थ्री के ले लिया. ठीक है, इसे मैं इक्वेशन वन देके रखूंगी, इसे मैं इक्वेशन टू देके रखूंगी, क्योंकि आगे चल के जब हमें के की वैल्यू मिल जाएगी तो ए बी और बी सी निकालने के लिए ये हमें हेल्प करेगा. नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी. मैंने बी बीच में रखा है क्योंकि 90 डिग्री है. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस हमारा सी ए है, तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी है, तो बी सी स्क्वायर प्लस बेस ए बी है, तो ए बी स्क्वायर वैल्यू ले लिया. ठीक है, थ्योरम यूज किया हमने यहाँ पे. हम यहाँ पे वैल्यूज रखना स्टार्ट करेंगे. क्या हमारे पास सी ए दिख रहा है? नहीं है, सी ए हमने छोड़ दिया. एक्चुअल में हमारे पास सी ए है ही नहीं. हमारे पास ए बी और बी सी है, तो मैं ए बी और बी सी की वैल्यू रखूंगी. बी सी थ्री के है तो थ्री के का स्क्वायर, ए बी फोर के है तो फोर के का स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा? थ्री के का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन, के स्क्वायर रहा. ठीक है, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, ये के स्क्वायर रहा. मैं इसे एड करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे? 25 के स्क्वायर. मतलब सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर. अगर मैं दोनों का स्क्वायर हटाती हूं तो यहाँ पे, या फिर मैं ऐसा करूंगी कि मैं सी ए का स्क्वायर हटा दू
और यहां से रूट ले लो, ठीक है। तो सी ए का स्क्वायर हटा तो ये रूट ओवर 25 के स्क्वायर आया, और इसकी वैल्यू 25 का रूट होता है 5 और के का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो के। अब हमारे पास ए बी 4k है, बी सी 3k है और सी ए 5k, हमें तीनों साइड की वैल्यू मिल गई। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दे रही हूँ, एग्जाम में आप चाहे तो लिखे चाहे तो छोड़ दे, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मत लिखें, आप दिमाग में रखें कि आपके पास सारी वैल्यूज हैं। ए बी यहाँ पे 4k है, बी सी 3k है और सी ए 5k है, सी ए 5k है। एग्जाम में आप इसे पेंसिल से लिख के मिटा भी सकते हैं, क्योंकि आपका डायग्राम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, वैल्यू सिर्फ यही नजर आनी चाहिए। ये ओरिजिनल वैल्यूज नहीं है, ये वेरिएबल के साथ वैल्यू है, के की वैल्यू आने के बाद इसकी आपको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। आपको ध्यान में रखने के लिए मैंने लिख दिया है, आप एग्जाम में पेंसिल से लिख के इसे मिटा देंगे। सी ए की वैल्यू आपको 5k मिल गई है। अब मैं रेशियोज निकालना शुरू करती हूँ, मुझे प्रूफ जो करना है उसमें क्या चीजें नजर आ रही है, टेन ए कॉस ए साइन ए, ये सिर्फ तीन चीजें नजर आ रही है, तो क्यों ना मैं सिर्फ तीन चीजों को निकालूं, बाकी रेशियोज की हमें जरूरत ही नहीं है। तो मैं स्टार्ट करती हूं नाउ, साइन ए कॉस ए और टेन ए। मैंने आपको बताया है आप जो निकालना चाहते हैं उन्हें लिख लें, जरूरी चीजें लिखते चल जाए और बनाते चल जाए। आप साइन ए निकालेंगे पूरा कैलकुलेट करेंगे, फिर कॉस ए निकालेंगे पूरा कैलकुलेट करेंगे, बहुत टाइम टेकेंगे। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, सी ए, ठीक है। वैसे कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है ए बी और हाइपोटेनियस है सी ए। टेन में चाहूं फिर ऐसे ही बनाना तो ये आपकी इच्छा है, मैं साइन अपॉन कॉस लेना पसंद करूंगी, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने पहले भी आपको ये फॉर्मूला बता रखा है। सारी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। बीसी की वैल्यू क्या थी, बीसी की वैल्यू 3k है, मैं जहां जहां बीसी दिखेगा वहां डालती चली जाती हूँ, बीसी की वैल्यू 3k आई, और कहीं बीसी दिखा क्या नहीं। सीए भी हमने निकाला है, सीए की वैल्यू 5k है, मैंने यहाँ 5k लिख दिया, यहाँ 5k लिख दिया, और कहीं है क्या नहीं। एबी की वैल्यू 4k है, तो मैं एबी की वैल्यू 4k यहाँ रख देती हूँ, तो ए बी यहाँ मैंने 4k रख दिया, और कहीं है क्या नहीं। ये बहुत इजी रहता है, आप एक वैल्यू देखिए जहां जहां मिला रख दिए, ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। के कैंसिलेशन हुआ तो 3/5 मिला, ये भी कैंसिल होने पे 4/5 मिला, मुझे साइन मिल गया है कॉस मिल गया है, मैं दोनों की वैल्यू रखूंगी तो मुझे 10 मिल जाएगा। 3/5 4/5 मैंने रखा, 5/5 कैंसिल होके 3/4 ये मुझे मिल गया। आपको पता रहना चाहिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे होते ही हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल में फिट हो जाते हैं, जैसे 3/4/5 का 3 अगर आपको कहीं भी बेस और परपेंडिकुलर मिले, 4 ऐसा ये वाइस वर्सा मिले, तो ऑब्वियस ही बात है आपका हाइपोटेनियस 5 आएगा। कई बार आप सॉल्यूशन करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज मेमोराइज हो जाएंगी कि कैसे आने पे क्या हमारा आंसर आएगा, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ 5 आ गया मतलब हम सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुई। अब प्रूफ करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगी, लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या था, 1 - 10² a अप॔न 1 + 10² a। आप चाहें तो दोनों वैल्यू एक साथ लेके चल सकते हैं, पर वो बहुत छोटा स्टैंडर्ड रहता है, बच्चे इसे यूज करते हैं मिडिल क्लास में, अब आपको ये यूज नहीं करना चाहिए। LHS में मैंने 1 - 10 की वैल्यू क्या निकाली है, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 10 की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर। मैं इसे साइड ही साइड सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं, आपके पास स्पेस रहेगा आप लाइन से सॉल्व करिए, RHS लिखिए फिर उसे लाइन से सॉल्व करिए, ठीक है, और लास्ट में LHS = RHS करिए। मैं इसे साइड बाय साइड सॉल्व कर रही हूँ, आप लाइन से सॉल्व करिएगा। 1 - 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 - 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, इसे सॉल्व करेंगे। बहुत बार आपसे मिस्टेक हो जाती है कि जो सबसे बड़ा डिवीजन है ये है, ठीक है, ऊपर में एक अलग टर्म लिखे हुए हैं, कुछ अलग टर्म्स हैं, नीचे अलग टर्म है, इसे मैसअप मत करिए, ठीक है। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगी, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ 16 आएगा, एलसीएम लेने से ये 16 - 9 हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को इन छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लूंगी तो ये 16 आएगा, 16 को मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 16 + 9 आएगा, 16 और 16
कैंसिल हो सकता है. डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कैंसिलेशन होता है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कैंसिलेशन होता है. तो मैं ये दोनों को कैंसिल करती हूँ, 16 माइनस 9 मुझे क्या मिलेगा, 7. 16 प्लस 9 मुझे क्या मिलेगा, 25. ये दोनों कैंसिल हो गया और मैंने ये वैल्यूज को यहां लिख दिया, 7/25. एलएचएस मेरा आ चुका है, मैं इसे इक्वेशन 3 दूंगी. ठीक है, मैंने इसे इक्वेशन 3 दे दी है. अब मैं आरएचएस स्टार्ट करती हूँ. आरएचएस हमारे पास क्या था, आरएचएस था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. मैं इसकी वैल्यूज ढूंढती हूँ. साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ पे है, कॉस 4/5 है, साइन 3/5 है. वैल्यू पुट करती हूँ, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर क्या होगा. मैं साइड बाय साइड कर रही हूँ, आपको नीचे करना है. 4 का स्क्वायर 16/25, 5 का स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर सिमिलरली 9/ ये 25 हुआ. एलसीएम लिया, बेस सेम है, 25 आया, 16 माइनस 9 ये आपको वैल्यू अगेन मिल रही है 7/25. गिव इट इक्वेशन 4. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आप देख सकते हैं मैंने एलएचएस सॉल्व किया, मुझे सेम वैल्यू मिल रही है जो आरएचएस सॉल्व करने पे मिल रही है. तो इक्वेशन 3 और 4 से वो दोनों सेम है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 1 - 10² a / 1 + 10² a = cos² a - sin² a. ठीक है, आप इसे प्रूव्ड नहीं लिखेंगे, चेक वेदर दिस, उसने ये बोला था कि ये दोनों चेक करिए कि ये है क्या, तो आप दोनों इक्वेशन करने के बाद लिख देंगे सॉल्व. ठीक है, इसमें प्रूफ लिखने की कोई जरूरत नहीं. अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन लिखेंगे. थैंक यू.